हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के बारे में। जो लोग डिस्टेंस से रिलेटेड कोर्स खोज रहे हैं तो ये दोनों ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट होगा और इसी में आपको एडमिशन लेना चाहिए। मेरा सजेशन यही रहेगा। तो चलिए दोनों के बारे में बात कर लेते हैं और मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मेरा सजेशन क्या है इससे रिलेटेड मैं बता देता हूँ। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। तो एडमिशन, सबसे पहले एडमिशन आप कैसे ले सकते हैं। तो इग्नू में जितने भी एडमिशन प्रोसेस इसके होते हैं, चाहे DUSL में आपका फॉर्म फिलअप होगा और इग्नू में आपको जब फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और प्लस कोर्स जितना फीस रहता है दोनों इंक्लूड करके आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद आपका वेरीफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट ऑनलाइन ही वेरीफिकेशन होते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होने के बाद आपका फाइनली आप एडमिशन ले लेते हो, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है इग्नू में। DUSL में आपका एडमिशन लेने के लिए आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। पिछले साल 300 रुपया था, अभी इस साल देखिए कितना फीस रहता है, उतना ही करीब रहेगा। तो एडमिशन आप लेने के बाद आपका फॉर्म क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ अमाउंट पे करना होगा, जो अमाउंट फ़ीस होगा दोनों का फ़ीस सेम ही रहता है। तो फीस पे करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट जो वेरीफिकेशन होगा आपको ऑफलाइन ही जाकर करवाना होगा। तो बहुत लोगों को सवाल होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो UG से रिलेटेड ही मैं बात कर रहा हूँ। इग्नू में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वह बात कर लेते हैं। 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, एक फ़ोटोग्राफ लगेगा, एक सिग्नेचर लगेगा। आपको ऑनलाइन ही सब अपलोड करना होता है, उसके बाद आपका वेरीफाई हो जाता है। DUSL में आपको डॉक्यूमेंट जितने भी हैं लेके जाना होगा सेंटर पर, उसके ओपन लर्निंग जितना सेंटर है वहीं पे लेके जाना होगा। 10th 12th का मार्कशीट, आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए यानी TC। तो ये कुछ लगते हैं डॉक्यूमेंट। और चलिए सेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इग्नू में 2 सेशन होता है, जनवरी और जुलाई। तो जिस सेशन में आप कंफर्टेबल हो उस सेशन में ले सकते हो, पर DUSL में वैसा नहीं है। एक ही बार आपका फॉर्म निकलेगा, एक ही बार आपका एडमिशन होगा। और एग्जामिनेशन के बारे में बात कर लिया जाए तो इग्नू में मोस्ट ऑफ द कोर्सेज के लिए ईयरली बेस होते हैं, पर प्रोफेशनल के लिए आपको सेमेस्टर वाइज ही होते हैं। और DUSL में आपको सेमेस्टर वाइज ही होंगे। फ़ीस के बारे में बात कर लिया जाए तो फीस दोनों का लगभग लगभग सेम ही होता है, तो फीस में ज़्यादा फर्क भी नहीं होता है, तो लगभग लगभग दोनों का सेम ही होता है। बहुत लोग के मन में ये भी सवाल होगा क्या क्लासेस होते हैं क्या। तो देखिए DUSL में क्लासेस होते हैं, पर कब कब होते हैं आपको जब इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। मेरे ख्याल से वीकेंड बेसिस पे ही क्लासेस होते हैं। एक दो फ्रेंड कर रहे हैं तो वीकेंड में ही क्लासेस होते हैं कभी काल का। तो डिस्टेंस में आप एक्सपेक्ट नहीं करना कि आपका क्लासेस होंगे, और इग्नू में तो भाई क्लासेस बहुत कम ही होते हैं। आपका रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर जब मिलता है, जब एडमिशन लीजिएगा तो वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन कर दिया जाएगा। पर इग्नू में ये फैसिलिटी आपको दिया जाता है, रीजनल सेंटर स्टडी सेंटर आपके बगल में ही मिल जाते हैं और आपको ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना होगा आप बगल में ही जाके ले सकते हो, क्योंकि हर स्टेट हर डिस्ट्रिक्ट में आपको रीजनल सेंटर स्टडी सेंटर मिलता है, और ये फैसिलिटी काफ़ी अच्छा है इग्नू का। पर DUSL का वैसा नहीं है, आपको दिल्ली में रह के ही करना होगा। और जो कैंपस है आपको DUSL का, वहीं पर जाके जो भी इन्फॉर्मेशन लेना होगा वहीं पर करना होगा। तो बात कर लेते हैं इग्नू कितने कोर्सेस ऑफर करता है। तो इग्नू मोर दैन 200+ कोर्सेस ऑफर करता है, पर DUSL ओनली 10 कोर्सेस ही ऑफर करता है। और आपको स्टडी आप घर पे ही रह के कर सकते हैं इग्नू से रिलेटेड, पर DUSL में आपको अगर एडमिशन ले रहे हो तो आपको तो दिल्ली में रह के ही करना होगा। अगर घर पे रहिएगा फिर दिल्ली आना जाना तो करना ही करना है, पर इग्नू में आपको घर पे ही रह के आप कर सकते हो। चलिए एग्जामिनेशन कैसे होते हैं, एडमिशन आपने सब चीज़ ले लिया तो फिर एग्जामिनेशन इसका कैसे होंगे। तो देखिए एग्जामिनेशन आपको इग्नू में देन आपको जहाँ नज़दीक है तो वहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, आपका नज़दीक में ही एग्जामिनेशन होंगे। 200 पर पेपर आपको भरना होगा। जैसे 6 सब्जेक्ट हैं तो 1200 रुपये एग्जामिनेशन फ़ीस आपको देना होता है, पर DUSL में वैसा नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, एग्जामिनेशन फ़ीस नहीं रहता है। और भी बात कर लेते हैं, क्लासेस आपको डिपेंड, वही क्लासेस आपको डिपेंड करता है जो जो रीजनल सेंटर है उसी से रिलेटेड। हाँ एक बात और मैं तो भूल ही गया, स्टडी मटेरियल से रिलेटेड बात कर लेते हैं। स्टडी मटेरियल देखिए इग्नू आपको घर पे ही डिलीवर करवा देती है, तो जो आपने एड्रेस डाला होगा तो वो आपके एड्रेस पे
आ जाता है। अगर आप किसी कारणवश से उस एड्रेस पे आपका डिलीवर नहीं हो पाता है, तो जिस रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर आपने चूज किया है तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये अच्छा बात है इग्नू का। और SOL में आपको कैंपस पे ही जाके कलेक्ट करना होगा। DU SOL में आपको पूरा एग्जामिनेशन देना पड़ता है, पर इग्नू में आपको 30% वेटेज दिया जाता है, यानी 30% आपका असाइनमेंट कराएगा और 70% आपका एग्जामिनेशन कराएगा। तो मेरे हिसाब से इग्नू बेटर है DU SOL से। मेरा सजेशन तो यही है कि आप इग्नू में ले सकते हो, और ऑनलाइन प्रोसेस होगा, ज़्यादा झमेला नहीं होगा, और आपका बाकी आप DU SOL में भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिल्ली से हो, अगर दिल्ली में आप रह कर करना चाहते हो तो बेटर ऑप्शन है आपके लिए। तो चलिए गाइस, तो यही इन्फॉर्मेशन आपको देना था। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।